वेलकम गाइस माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आ चुका हूँ दुबई के सबसे बड़े मॉल में, जो कि इसका नाम है दुबई मॉल, और यहाँ पे मैं आप लोगों को सारा व्यू दिखाने वाला हूँ। तो काफ़ी एक्साइटेड मैं ना, तो मैं बाहर का वीडियो भी शूट नहीं कर पाया कि मैं यहाँ पे किस तरह आया, तो इसका वीडियो आप सॉरी मैं नहीं बना पाया। तो यहाँ पर मैं आपको दुबई मॉल का सारा व्यू दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे दुबई का मॉल है, और यहाँ इसका जो कितना मतलब अच्छा यहाँ पे ग्लास वगैरह था, इसका लुक कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड का है भाई, तो इसे सबसे अलग होना ही चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको सारा व्यू दिखाता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर क्या होता है ना, फ़ॉरन लोग बहुत ढेर सारे लोग ज़्यादा आते हैं इस मॉल के अंदर, क्योंकि ये वर्ल्ड का है भाई। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि एक झरना भी है यहाँ पर। झरना में क्या है, ये मेटल का जो यहाँ पे आदमी दिखाए गए हैं, काफ़ी अच्छा ऊपर से ना आदमी नीचे देखने में ना बहुत तो मतलब अच्छा लगता है। और काफ़ी मतलब बड़ा मॉल था, तो यहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बनाया गया था इसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कितने लोग थे, वो भी दिन था संडे का, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैफिक था। और इसके अंदर एक से यहाँ पे आइस वगैरह बना है स्केटिंग के लिए भी, जिसको भी यहाँ पे आइस मतलब स्केटिंग करना जैसे आप लोग जम्मू कश्मीर में करते हैं, सेम यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इस फ्लोर से आप वापस अभी नीचे चला जाते हैं, और नीचे का आप लोगों को कुछ व्यू दिखाने वाले हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इस मॉल के अंदर, और काफ़ी मतलब नई नई चीज़ें थी, बट सामान जो भी था इंडिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुझे महंगा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने सामान वगैरह तो कुछ नहीं लिया, बट यहाँ पे मॉल में अच्छी तरीके से पूरा घूम लिया। यहाँ पे मैं आप लोगों को वाशरूम भी दिखा देता हूँ। देखिए वाशरूम में इतना बड़ा मिरर था, मैंने देखा तो मैंने सोचा एक ब्लॉग भी यहाँ पे इसका भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि वाशरूम का जो मिरर था मुझे काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा मुझे लगा। और यहाँ पे इसका हाल है, ये मतलब ये सबसे नीचे वाला फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि कितना बड़ा मतलब 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था। यहाँ पे गोल्ड मार्केट है, मतलब एक एरिया में पूरा गोल्ड से मतलब रिलेटेड सामान मिल जाएगा। तो यहाँ पे गोल्ड भी था, मैंने गोल्ड वगैरह भी देखा। उसके आगे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक मुझे ये चीज़ देखने को मिला, काफ़ी अजीब लगा बट मैं देखा तो मुझे अच्छा भी लगा। तो ये जो डायनासोर होता है ना, उसकी हड्डी कहीं जो है शरीर इसका वहाँ पाया गया था यूनाइटेड अमेरिका में, यूएसए में, तो वहाँ से इसे लाकर यहाँ पे रख दिया गया है, और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसे एक फिर लोहे के फ्रेम में ना इसे लगा दिया गया, नहीं क्योंकि हड्डी इधर उधर मतलब निकल जाती। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखने के बाद अब यहाँ से धीरे धीरे बाहर चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, जो काफ़ी अच्छा मुझे देख कर लगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने गाँव वाँव में देखा होगा ना, जो गिलास में छोटे छोटे गिलास में मछलियाँ पली होती हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को काफ़ी बड़ा मतलब गिलास में मछलियाँ दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ उस गिलास के पास, उसमें शार्क भी आप लोगों को मिलेगी। ये इसके यहाँ पर पास भी पड़ता है, अगर आप लोग ऐसे दूर से देखते हैं तो वहाँ पे फ्री में देख सकते हैं, अगर आपको इसके अंदर जाके देखना तो इसके लिए भाई टिकट वगैरह लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर शार्क और बहुत ढेर सारी खतरनाक डेंजर मछली भी हमने देखी, और इसके अंदर जहाँ जाली भी लगी, तो जिसको जाना था पास वो यहाँ पर जाकर देख सकता था। उसके बाद में यहाँ पर मैप है, इस मैप में आप लोग सारे मॉल के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ढूंढा वगैरह, उसके बाद में चले जाते हैं बाहर, और बाहर यहाँ पे बुर्ज खलीफा के गेट के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है ना, इसका कलर देख सकते हैं आप लोग, मतलब ब्लू कलर आप लोग देख रहे हैं, तो ये समंदर का पानी है, नहीं तो ये कोई केमिकल वगैरह से इसे यहाँ पे ब्लू किया गया है। उसके अंदर जो रात में जो लाइटिंग वगैरह होती है वो यहीं पे होती है। अब उसके बाद हम लोगों ने उसे दूर से देखा था, अब मैं यहाँ से इसे पास से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और यहाँ पे मैं आप लोगों को जाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी, मैं अच्छे से यहाँ पे वीडियो वगैरह थोड़ा शूट नहीं हो पाई थी। यहाँ पे देख सकते हो जो पाइप वगैरह आप लोग इंस्टाग्राम पे और काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे ना, तो यहीं की सारी वीडियो वो लोग बनाते हैं। और यहाँ पे और अब उसके बाद काफ़ी ज़्यादा धूप थी बाहर, तो हम लोग यहाँ पर अंदर आ जाते हैं अंदर, क्योंकि पूरे फुल मॉल में बिल्कुल अच्छी ऐसी थी, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था, इसी वजह से मैं बाहर निकल आया। उसके बाद में ये मुझे मॉल में काफ़ी अच्छा लगा कि मॉल के अंदर से मेट्रो का रास्ता है, तो आप लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप लोग पैदल टहलते हुए मेट्रो का स्टेशन के अंदर भी पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखिए गांव वगैरह में आप लोगों को लंबे सफ़र के लिए चलना पड़ता था ना रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पे आप लोगों को चलने की ज़रूरत नहीं, ये बेल्ट मतलब ये जो जहाँ पे ज़मीन है ना, ये अपने आप चलती रहती है, आपको इस पर सिंपली सा आपको खड़े हो जाना है, बस आप लोग पहुँच जाएंगे। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस इस ब्लॉग में इतना ही, और आपको ब्लॉग कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।